हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भावना की अपनी रसोई में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। चलिए हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और गाजर की बहुत ही अच्छी सब्जी। इसके लिए मैंने 4 से 8 गाजर लिए हैं। इसको इस तरीके से बारीकी से काट लिया है और 2 बड़े साइज़ के आलू लिए, इसको भी मोटा मोटा इस साइज़ में काट लिया है। अब हम दोनों को अच्छे से साफ़ पानी से वॉश करके ले लेंगे। अब हम इसके लिए लेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे जिनको उनको भी बारीक काट लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे तेल, तेल हम 2 बड़े चम्मच ले रहे हैं। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया। अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को थोड़ा पकने देंगे, ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें अपनी बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को भुनने देंगे अच्छे से। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। सभी को अच्छे से चला देंगे, अच्छे से भून लेंगे इसको। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अच्छे से मसालों को मिला लेंगे। अच्छे से स्लो आंच पर मसालों को पका लेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए मसाले हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से मसालों में मिला लेंगे। अब इसमें अपनी गाजर डाल देंगे। सभी को मसालों में अच्छे से मिला लेंगे आलू और गाजर को चम्मच की हेल्प से। अब इसमें हम पानी मिला देंगे। पानी हमको इतना रखना है जिससे हमारी सब्जी पक जाए। देखिए आप देख सकते हैं सब्जी से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मैंने, सारी सब्जी हमें डुबानी नहीं है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद अब हम इसको देखेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी में अच्छे से खदकने लगी है, पक रही है। थोड़ा सा चलाएंगे, देख लेंगे और फिर से इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। बीच बीच में आप ऐसे ही देखते रहें, फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। अब देखिए फिर एक और बार देख लेते हैं 5 मिनट बाद। देखिए बहुत सारा पानी सूख गया है, इसे फोड़ कर देख लें। अभी और थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब देखते हैं, अच्छे से सब्जी बन गई है। देखिए आलू अपने आप ही फूट रहे हैं, और आप एक बार फोड़ कर भी देख लें। देखिए अच्छे से फूट रहे हैं आलू, हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक सर्विंग बाउल में सब्जी को निकाल लेंगे।
देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी हमारी ये सब्जी। 5 मिनट 10 मिनट में तैयार है। इसे आप रोटी के साथ खाइए, पूड़ियों के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगने वाली है।